बुध एक से 12 ग्रहों की बात करेंगे, उपाय भी आपको बुध के जरूर बताएंगे। लगन का बुध बैठा हुआ हो अच्छी बुद्धि देता है। ऐसा इंसान ज़्यादातर शराब मांस खाने का शौकीन होता है या खा करके छोड़ चुका होता है, लेकिन जीवन में ज़्यादातर चांसेस बनते हैं कि शराब मांस को मुंह जरूर लगाया होता है, उसका टेस्ट जरूर किया होता है। ऐसे लोग अगर कड़वी जुबान पर कंट्रोल रखे और मीठी मिठास के साथ अपने करियर के अंदर चले तो जीवन में बड़ी अच्छी तरक्की पाते हैं। अगर सूर्य भी साथ आके मिल रहा हो तो इंसान अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक, अच्छा टीचर, अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। इस घर के बुध वालों के लिए को तांबे का छेद वाला पैसा चांदी की चेन में डाल के गले में पहनना चाहिए। दूसरे घर का बुध राजयोग कारक होता है, अच्छी बुद्धि सोच समझ बहुत अच्छी देता है। चंद्रमा साथ आकर के बैठ जाए या बृहस्पति साथ आके बैठ जाए तो राजयोग होता है, जीवन में बहुत धन कमाता है। पिता का सुख कमजोर होता है, पिता को अपनी 17 साल की उम्र के अंदर या तो बहुत बड़ा कष्ट आता है या पिता का साया उड़ जाता है या किसी भी तरह से परेशानियां बनती है। इस घर के बुध के लोगों को अपने घर में ऊन के गोले, रस्सी के गोले, सूत के गोले, निवाड़ के गोले बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। अगर घर में पड़े हुए हैं तो इनको पहले घर के अंदर ही अच्छे से खोलिए और बाहर फेंकिए। इस घर का बुध अच्छा है, तीसरे घर का बुध ये बुध अच्छा नहीं माना जाता। इस घर का बैठा हुआ बुध हो और मंगल जन्म कुंडली में बध हो तो बहुत तकलीफें देता है, कामों में रुकावटें देगा, मेहनत का पूरा लाभ नहीं देगा, गुस्सा चिड़चिड़ापन देगा, बहन बुआ बेटियों को तकलीफें देगा, या तो इनके साथ संबंध खराब कर देगा या इनको जीवन में परेशानी आएंगी बहन बुआ बेटियों को। बिजनेस के अंदर 36 साल की उम्र के बाद तरक्की तब ही मिलती है अगर शनि अच्छा हो, लेकिन अगर शनि भी खराब हो तो सारी जिंदगी बिजनेस को लेके, काम को लेके इंसान परेशान रहता है। 43 दिन लगातार मूंग साबुत रात को फिटकड़ी के पानी में भिगो करके सोइए। सुबह पक्षियों को जरूर डालिए, छोटी छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफियाँ देके उनका आशीर्वाद लेते रहिए। ये चौथे घर का बुध अच्छा होता है। बृहस्पति साथ आके बैठ जाए या चंद्रमा साथ आके बैठ जाए दूसरे घर की तरह तो राजयोग कारक होता है। सूर्य भी साथ आके बैठ जाए अच्छा धन देता है, विदेशों से लाभ कमाता है। इंसान अब का मन थोड़ा कमजोर जरूर हो जाता है, जल्दी डिप्रेस होता है, जल्दी एंग्जाइटी करता है, लेकिन ये घर बुध अगर खराबी पर आ जाए तो ज़्यादातर लोग सुसाइड भी इसी घर के बुध वाले करते हैं। ऐसे लोगों को अगर काम को लेके तकलीफ़ें आ रही हो, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बन रहा हो, तो 4 बुधवार एक खाली मटका ढक्कन लगा के सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह कीजिए। पांचवें घर का बुध जो होता है वो बृहस्पति के घर में बैठ के बृहस्पति को खराब करता है, पिता को तकलीफें देता है, पिता के सुख में कमी करता है। यहाँ बैठा हुआ बुध पढ़ाई के पूरे लाभ नहीं देता, लेकिन अकाउंट्स की लाइन, मैनेजमेंट के काम, सीए की लाइन या बैंकिंग लाइन के क्षेत्र में अगर बच्चे जाते हैं तो उसमें लाभ होगा। तांबे का छेद वाला पैसा चांदी की चेन में डाल के गले में पहनिए। और बुध पांच का एक उपाय हम नीचे कैप्शन में देंगे, वो जरूर कीजिएगा। छठे घर का बुध अच्छा होता है, बुध का अपना घर है, इंसान अपनी जुबान से बड़ा अच्छा पैसा कमाता है, जीवन में तरक्की सुख समृद्धि कमाता है। बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, अकाउंट्स लाइन के अंदर, सीए डिपार्टमेंट के अंदर या आड़त के बिजनेस या किसी भी तरह से कमीशन के काम, जुबान से बोल के कमीशन के काम करने वाले काम बड़े अच्छे रहते हैं। लोग ऐसे इंसान की बातों से प्रभावित होकर के उसको हंस के एक उसकी डील बड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि बात करने की कला बड़ी अच्छी होती है। सातवें घर का बुध भी बुरा नहीं माना जाता, इसका अपना पक्का घर है। इस घर के बुध वाले को पारस मनी कहा जाता है, यानी कि दूसरों को जो भी सलाह देगा, दूसरों के लिए जो भी काम करेगा उसमें वो तरक्की करेंगे। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो अपने मालिक, अपने बॉस की कंपनी को बहुत आगे लेकर के जाते हैं, लेकिन वही काम अगर खुद अपने लिए करे तो उसमें तरक्की नहीं मिलती। नौकरी में लाभ कमाते हैं, बोल के लाभ कमाते हैं, अपनी जुबान से लाभ कमाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कड़वा नहीं बोलना चाहिए। अपनी साली के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए और साली को किसी भी तरह से हमेशा के लिए अपने घर में ला करके नहीं बिठाना चाहिए। कई बार सरकमस्टांसेस बन जाते हैं या साली के साथ किसी भी तरह से गलत रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। आठवें घर का बुध अच्छा नहीं होता, बहन बुआ बेटियों को तकलीफें देता है, काम में तकलीफें देता है, पेट के रोग देता है, डिप्रेशन देता है। राहु साथ में मिल जाए तो जेल यात्रा या डिप्रेशन या सुसाइड जैसे हालात बनाता है। मंगल साथ में बैठ जाए तो मंगल बुध का मेल तो उल्टा राजयोग कारक हो जाता है, धन सुख समृद्धि के लिए अच्छा होता है, लेकिन गुस्सा जल्दी देता है। शनि साथ में जाकर के बैठ जाए तो व्यापार की दिक्कतें देता है। सूर्य साथ में बैठ जाए नौकरी के लिए अच्छा रहता है और इंसान अपनी मेहनत से जीवन में तरक्की कर जाता है। इस घर के बुध वाले लोगों को 96 दिनों के लिए नाक छिदवा के
चांदी या सोना जरूर पहनना चाहिए, हरे रंग से परहेज रखना चाहिए। नौवें घर का बुध अच्छा नहीं होता। कहते हैं इस घर का बुध अगर खराबी पर आ जाए तो कुंडली में चाहे कितने ही राजयोग क्यों ना बैठे हो, लेकिन फिर भी कोई भी राजयोग एक्टिव नहीं होगा, कोई भी राजयोग फल नहीं देगा जब तक नौवें घर के बुध के उपाय पूरी तरह से नहीं होते। ऐसे लोगों को तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के बुध के 12 यंत्र प्रतिष्ठित जो आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे वो उसके अंदर डाल के तांबे का ढक्कन लगा के पीतल या कली का टांका लगा के सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करना चाहिए और 96 दिनों के लिए नाक जरूर छिदवाना चाहिए। 10वें घर का बुध शनि के घर का बुरा नहीं होता। अगर शनि भी अच्छी पोजीशन में हो तो इस घर का बुध बड़ा अच्छा रुपया पैसा सुख समृद्धि देता है। इंसान बोलने के काम बात करने के कामों में आगे बढ़ता है, आड़त के कामों में आगे बढ़ता है। 4थे घर में बृहस्पति को छोड़ के अगर कोई अच्छा ग्रह जाकर के बैठा हो मंगल को छोड़ के तो हालात जीवन में बड़े अच्छे रहते हैं, इंसान जीवन में अच्छी तरक्की करता है, काम के अंदर अच्छा नाम कमाता है। 11वें घर का बुध उतना शुभ नहीं होता, बृहस्पति के फलों को खराब कर देता है। ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम एलर्जी अस्थमा होने की परेशानियां जल्दी बनती है। इस घर का बुध बिना वजह धन के नुकसान भी करवाता है और इंसान को दिखावे का ज़्यादा रहीज बनाता है। तांबे का छेद वाला पैसा चांदी की चेन में डाल के गले में पहनिए, जरूर लाभ होगा। और जो उपाय बुध 9वें घर में तांबे की गागर वाला हमने बताया है वो उपाय ही 11वें घर के बुध वाले जरूर करो। 12वें घर का बुध मेल की कुंडली में मर्दों की कुंडली में खराब माना जाता है, फीमेल की कुंडली में बुरा नहीं करता। 12वें घर का बुध अगर शनि के साथ बैठा हो तो राजयोग कारक होता है, रुपया पैसा सुख समृद्धि काम के अंदर बहुत तरक्की देता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ग्रह आकर के साथ बैठ जाए तो ये बुध खराब होता है। इसके लिए भी 96 दिनों के लिए बीच में से नाक छिदवाना जरूरी होता है और 27 दिन लगातार एक खाली मटका ढक्कन लगा के सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करो। और विशेष बात बुध के लिए, बुध 3रे घर में हो, 9वें घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर तुलसी, मनी प्लांट, रबर प्लांट, शंख, सीप, कोड़िया, ढोलक, तबला, गिटार, सितार ये चीज़ें घर में नहीं रखनी।